हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या एग्ज़ामिनेशन के दौरान हम लोग क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम एग्ज़ामिनेशन का पेपर दे के आते हैं तो तुरंत उसको डिस्कस करने लगते हैं, दोस्तों से डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग दोस्तों से डिस्कशन शुरू करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मानिए आप एग्ज़ामिनेशन दे के आए हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम सबसे ही बनाए हैं। तो आप जैसे ही वो दोस्तों से डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होने लगता है, आपको मालूम पता चल गया कि यहाँ पे हम गलती कर दी, ये चार पांच लाइन गलती कर दिए या पांच छह नंबर का गलत हो गया। तो उससे क्या होता है, आप मोरली थोड़ा सा लो फील करने लगते हैं। तो लो जब आप फील करने लगिएगा तो आप वो उसका इम्पैक्ट दूसरे एग्जामिनेशन में पड़ने लगता है। तो उससे क्या होगा, आपका जो दूसरा पेपर है उसका तैयारी करने में आप थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं या थोड़ा सा मोरली लो होकर जाके आप पेपर का तैयारी करते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप पेपर देने के बाद उसको डिस्कस ना करें, किसी भी दोस्त से ना डिस्कस करें। कोई पूछे कैसा गया पेपर तो हाँ ठीक गया। अब डिस्कस करने से ऐसा तो नहीं है कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा कहीं पे। जो आप गलती किए हो तो गलती ही किए, घर आइए पापा मम्मी को बता दीजिए कैसा गया पेपर, उसके बाद फिर उस पेपर को एकदम चुपचाप साफ रख दीजिए। दोस्त का फ़ोन आ रहा है या बहुत सारे दोस्त आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आते ही बोल देंगे कह रहे यार इसका आंसर ये, तो वो सब चीज़ों को आप कोशिश कीजिए कि हम इग्नोर करने का किसी भी तरह से। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के समय आप देखते होंगे कि आपको चार चार पाँच पाँच छः छः दिन का गैप मिलता है। तो गैप के दौरान क्या होता है ना कि आपको लगता है क्या है चार दिन है या पाँच दिन है तो चलो ठीक है करेंगे, दो दिन आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, चिल आउट कर लेते हैं, पिक्चर देखना शुरू कर देते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, गाना सुनना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप तीन दिन या पाँच दिन का अगर गैप है तो इसमें दो दिन या तीन दिन आप उसी में आप निकाल देते हैं। तो जो चीज़ सही नहीं होता, आपको क्या करना चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे के आएँ, ठीक है, एक घंटा आप रेस्ट किए, खाना वाना खाएँ, उसके बाद फिर आप तुरंत फिर उसी एनर्जी के साथ आप लग जाइए। आप हर एग्ज़ामिनेशन को सोचिए कि ये मेरा पहला एग्ज़ामिनेशन है, इसको अच्छे से करना है। हर एग्ज़ाम को आप फर्स्ट एग्ज़ाम की तरह देखिए, हर एग्ज़ाम को, और रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पाँच दिन है तो उस पाँच दिन का बेस्ट यूज़ कीजिए। आप बेस्ट यूज़ कीजिएगा तो आपका पेपर अच्छा होगा ही होगा। आपका जो पेपर है, जो नेक्स्ट पेपर होता है, उस पर कभी भी इम्पैक्ट मत पड़ने दीजिए आपके प्रीवियस पेपर का। अगर मानिए आपका पेपर अच्छा भी हुआ तो होता बहुत कोई कि बहुत अच्छा पेपर चला गया तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, अरे यार ये पेपर तो बहुत अच्छा चला गया, चलो ठीक है अब नेक्स्ट पेपर भी अच्छा चला जाएगा। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, वो चिल आउट करने लगता है, आराम से मस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से दो या तीन दिन उसे भी निकाल देता है। या फिर कुछ होगा पेपर खराब चला जाता है तो वो मोरली इतना लो हो जाता है कि जिसकी वजह से वो नेक्स्ट पेपर को उस एनर्जी के साथ वो तैयारी नहीं कर पाता। इसलिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने एग्ज़ामिनेशन पे, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उस पर प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन के पेपर का कोई इम्पैक्ट मत पड़ने दीजिए। अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा एग्ज़ामिनेशन के दौरान। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और कोई भी कमेंट है या किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं फिर बहुत जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो लेके आऊँगा रिगार्डिंग मेंस और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।